भाई हरभजन पाजी ने पॉडकास्ट नहीं दिया है, बम फोड़ दिया है जिससे पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया है। क्या बात कर रहे हैं? नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ रौनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं रणतंत्र, हरभजन सिंह का पिछले हफ्ते का पॉडकास्ट, जहां पर उन्होंने ये बोल दिया था कि जब कोहली ने हाथ नहीं मिलाया था तो धोनी टीवी पर मुक्का मार के चले गए थे। अभी तक चर्चा बटोर रहा है, आधे लोग ये साबित करने में लगे हैं कि हाँ धोनी ने टीवी तोड़ दिया था, जबकि आधे कह रहे हैं कि हरभजन झूठ बोल रहे हैं। लेकिन उनके इस बयान ने इस डिबेट को दोबारा जन्म दे दिया है कि क्या एक ऐसे मैच में जो धोनी के क्रिकेट करियर का आखिरी मैच साबित हो सकता है, वहां पर कोहली और उनकी टीम को थोड़ा लिमिट में सेलिब्रेट करके पहले हाथ मिला लेना चाहिए था और फिर अपनी सेलिब्रेशन जारी रखनी चाहिए थी। इस डिबेट में बड़े बड़े दिग्गज भी कूद गए हैं और क्या बोल रहे हैं हम आपको बताएंगे। लेकिन जिनकी याददाश्त कमजोर हो गई है और उनके घर पर मम्मी बालों में सरसों का तेल नहीं लगाती या फिर बादाम नहीं खिलाती, उनके लिए एक बार फिर से पूरा मामला रिकैप कर देते हैं। तो दोस्तों, बात है 18 मई की। चेन्नई और बेंगलुरु मैच खेल रहे थे जिसमें दोनों के लिए जीत जरूरी थी, हारने वाला आईपीएल प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाता। आखिरी ओवर में 17 रन चाहिए थे और ये जिम्मेदारी धोनी के ऊपर थी। यश दयाल की पहली ही गेंद पर छक्का मारकर उन्होंने इक्वेशन 5 गेंद पर 11 कर दी, लेकिन 110 मीटर के इस छक्के की वजह से गेंद स्टेडियम के बाहर चली गई और एक नई गेंद मांगनी पड़ी जो कि सूखी हुई थी, और इस वजह से गेंदबाज उस पर बेटर कंट्रोल कर पाया और अगली गेंद पर धोनी बाउंड्री लाइन पर कैच दे बैठे। इसके बाद चेन्नई ये मैच हार गई और आरसीबी वाले इतना खुश हो गए जैसे 5 आईपीएल ट्रॉफी जीतकर छठे की तरफ बढ़ गए हों। लेकिन असल बात यह थी कि उन्होंने सिर्फ प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया था। इतनी खुश तो हिंदुस्तानी मां तब भी नहीं होती जब बेटा बोलता है कि मां आज के बाद फोन नहीं चलाऊंगा। मतलब जितना बेंगलुरु वाले प्लेऑफ में पहुंचकर खुश हो गए थे भाई साहब। इसके बाद उन लोगों ने इतना जश्न मनाया कि महेंद्र सिंह धोनी और उनकी टीम हाथ मिलाने के लिए बाउंड्री लाइन पर वेट करती रही, लेकिन कोई आया ही नहीं और फिर धोनी बिना हाथ मिलाए वापस चले गए। उस वक्त भी इस बारे में बहुत डिस्कशन हुआ कि क्या कोहली की टीम को अपने सीनियर धोनी की इज्जत करनी चाहिए थी और थोड़ी देर के लिए सेलिब्रेशन रोक कर हाथ मिला लेना चाहिए था और फिर सेलिब्रेशन आगे कंटिन्यू कर लेते। कुछ लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और कुछ आरसीबी और कोहली फैंस का कहना है कि बेंगलुरु की टीम जिस तरीके से लगातार 6-7 मैच जीतकर प्लेऑफ में पहुंची है उस हिसाब से हम सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं, किसी को इस बात से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब इस मुद्दे पर एक बार फिर से दिग्गजों ने बोलना शुरू कर दिया। इंग्लैंड के भिंडी रोना एक्सपर्ट माइकल वॉन ने कहा है कि मैं समझ सकता हूं कि बेंगलुरु वाले एलिमिनेटर के लिए क्वालिफाई करना चाहते थे। मैं ये भी समझता हूं कि क्योंकि बेंगलुरु ने कभी ट्रॉफी नहीं जीती इसलिए वो ज्यादा डेस्परेट होंगे, लेकिन आप इस तरह की हरकत नहीं करना चाहेंगे जहां पर आपके अपने फैन बेस के अलावा बाकी सब यही कहें कि इन लोगों को तमीज नहीं है, इन्होंने गलत किया है। माइकल वॉन ने यह भी कहा कि याद रखिए धोनी कभी रिटायरमेंट बोलकर अनाउंस नहीं करते, यानी हो सकता है कि वो मैच धोनी का लास्ट मैच हो, और अगर ऐसा हुआ तो आरसीबी के प्लेयर्स को खुद बुरा लगेगा कि उन्होंने एक लेजेंड के आखिरी मैच में उन्हें रिस्पेक्ट नहीं करी क्योंकि वो टॉप 4 में पहुंचने का जश्न मना रहे थे। मतलब एक बार उनसे मिल लेते, उसके बाद जितनी भी कलाबाजी और कुला मंडी खानी थी वो खा लेते। हर्षा भोगले ने भी इसी तरह की बात कही और कहा कि भले ही आप वर्ल्ड कप क्यों न जीत गए हो, ये बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल है। जीत पर सभी को जोश आता है लेकिन आपको अपने विरोधी के साथ हाथ मिलाना ही चाहिए, क्योंकि क्रिकेट के खेल की खूबसूरती ही ये है कि खेल खत्म होने के बाद जब आपने सामने वाली टीम के साथ हाथ मिला लिया तो आप ये बता रहे हैं कि मैदान में तो हम दोनों एक दूसरे के विरोधी थे, लेकिन अब जो भी कड़वाहट है वो पीछे रह जाएगी, इसलिए आप हाथ मिलाइए और जाकर जितना जश्न मनाना है मनाइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, आप लोगों का इस मुद्दे पर क्या कहना है? मान लीजिए आप एक आरसीबी के प्लेयर हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जितने प्लेयर हैं सबको धोनी की तो इज्जत है ही, खुद कोहली भी धोनी को अपना कप्तान मानते हैं। अब अगर धोनी ये बोल दें कि मैं इस सीजन में नहीं खेल रहा हूं तो वो वाला मैच उनका रिटायरमेंट मैच हो जाएगा। क्या आप खुद को कभी माफ कर पाएंगे? देश के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी के रिटायरमेंट मैच पर आप इसलिए हाथ नहीं मिला पाए क्योंकि आप टॉप 4 में पहुंचने को सेलिब्रेट कर रहे थे? कमेंट करके बताइएगा आपका जवाब क्या है, इस पूरे मैटर पर आप क्या सोचते हैं। हम आपसे मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिएगा। जय हिंद।